नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आखिर ये क्या मामला है इतनी बड़ी क्रेन और इतनी बड़ी संख्या के अंदर जैसे भी आज यहाँ पर आई है, तो आखिर किसका ऐसा भव्य स्वागत कर रहे हो आप? आज जैसा कि आप सबको पता है, 4 तारीख को रामदेवरा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चालू हुई थी, वो आज हमारे लूणी विधानसभा के अंदर प्रवेश कर रही है करीब आधे घंटे बाद। उसके स्वागत के लिए यहाँ पर जाट समाज की तरफ से एक स्वागत रखा गया है और बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा आ रही उसका हम स्वागत करेंगे। और ये हमारी मुख्य मांग रहेगी कि लूणी विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट 60,000 करीब जाट मतदाताओं के वोट है, तो आज तक बीजेपी की तरफ से जाट प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला है। तो इस बार हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे समाज से जो भी काबिल पार्टी से जुड़े हुए हैं, बेटा बेटी 5, 7, 10 जो भी हैं, वो स्थानीय, ऐसा नहीं कोई बाहर का जाट हो, वो हमें मंजूर नहीं है। स्थानीय जाट जो भी पार्टी में कार्यरत है, जिसको पार्टी ठीक लगती है उसको टिकट देवें, ठीक है, और हम लूणी से कमल खिलाएंगे, यही हमारी मुख्य मांग है आज की। लेकिन बात करें तो यहाँ पर लूणी विधानसभा से जाट मजबूत दावेदार कितने लोग हैं आज के दिन? हमारे अभी तक करीब 7-8 भाई बहन बीजेपी पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, संगठन में जुड़े हुए हैं, वो पार्टी में नियंत्रण अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, लोकतंत्र में सबको अपनी दावेदारी करने का हक है। और हम तो ये कहते हैं उन 8-10 में से क्यों, अगर कोई नया भी होता है पार्टी प्रत्याशी को, पार्टी को ठीक लगता है कि भाई ये आदमी है, जाट समाज से हो और स्थानीय हो, ऐसा नहीं कोई बाहर का, जैसे कोई बाड़मेर का लूणी के अंदर निवासी कर रहा है या कोई बिलड़ा का लूणी के अंदर निवासी कर रहा है, उसको टिकट देगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसको नकार देंगे। स्थानीय लूणी में से जिसको भी पार्टी ठीक लगे उसको टिकट देवें, हम सब एक साथ हैं और कमल खिलाएंगे यहाँ से। आप यदि समाज के लोग हो तो समाज के लोग ये भी चाहते होंगे कि भाई मुझे भाजपा नहीं, यदि कांग्रेस भी जाट समाज को टिकट देती है, क्या वो आपको मंजूर होगा? देखिए, कांग्रेस के अंदर पिछले 50 साल से राम सिंह विश्नोई परिवार को टिकट मिल रहा है और उनकी तीसरी पीढ़ी को टिकट दे रहे हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा है, उनके लोग हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। राम सिंह जी बड़े किसान नेता थे, उन सबकी हम 36 को हम इज्जत करते हैं और उनकी तीसरी पीढ़ी को टिकट मिल रहा है, तो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस में 0.1% भी उनका टिकट कटेगा। यदि बात करें, यदि भाजपा से इस बार भाजपा नहीं सोचती है और टिकट जाट समाज को नहीं मिलता है और वहीं पर यदि RLP पहुंच जाती है, तो फिर आपका क्या रुख रहेगा? देखिए क्या भाई, आप बेटे रे बीनी लवा के पहले यूँ क्यों होता का रांडी हो जाए, मैं तो आ देखा माने टिकट मिली। जोधपुर लोकसभा में 3.25 लाख जाट मतदाताओं के वोट है, 8ों विधानसभा सीट जोधपुर लोकसभा की, 8ों विधानसभा सीटों पर, ठीक है, 3.25 लाख वोट हैं, 60,000 लूणी में, 60,000 लाउट में, 40,000 शेरगढ़ में, 16,000 पोखरण में, 20,000 फड़ौदी में, 22,000 सूरसागर में, 10,000 शहर में और 22,000 समथिंग सरदारपुरा में। तो 3.25 लाख वोट जब जाट, ठीक है, दे रहे हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व मिलना जरूर मिलेगा। और इस बार ये जो मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और राजस्थान के प्रभारी मोदी जी हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा और जरूर जाट समाज को 2 टिकट लूणी और लाहौर से मिलेंगे। बात करते हैं, जैसे अभी RLP आ रही है और यदि जाट को और किसी को उठाकर टिकट दे देती है, तो फिर जाट समाज के जो भी वोट है उनका ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए आप कोई उपाय करोगे या फिर किस प्रकार ये मैनेज कर पाओगे? कैसे, मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे भाजपा भी अपने जाट समाज को टिकट देती है और RLP भी अपना कैंडिडेट उतार देती है जाट समाज को, फिर लोकतंत्र है, हनुमान जी बड़े किसान नेता हैं और उनकी पश्चिमी राजस्थान में अच्छी पकड़ है, वो हमारे लिए भी सम्माननीय है, राजनीति विचारधारा हमारी अलग अलग हो सकती है पर वो दबंग नेता हैं और अगर वो अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो उनकी विचारधारा से उनके साथ जाएंगे, जो बीजेपी की विचारधारा और जो राष्ट्र प्रेम की विचारधारा है, जो भारत को, राष्ट्र को मजबूत करने और भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ देख रहे हैं, वो ठीक है बीजेपी के साथ रहेंगे। बाकी हम किसी को मना तो कर नहीं सकते कि आप किसी को टिकट ना दीजिए, ठीक है, वो उस समय देखा जाएगा। हाँ, बात करते हैं कमल खिलाने की, तो इस टाइम अपन देख रहे हैं कांग्रेस सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं इस टाइम ला रही हैं जैसे ही अपना राजनीतिक माहौल शुरू हो गया, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, 275 रुपये का सामान जो किट में आ रहा है,
ईमानदारी से दुकान से लेना, वो 275 रुपए का आ रहा है, उसको टेंडर हुआ 375 रुपए में, 100 रुपए वो कमीशन। और जो 6000 का मोबाइल आज से 5 साल पहले था, वो कंपनी बंद हो गई है, उसके फ़ोन 2000 में खरीदे और उसके बिल बने 6000 में, तो वो 4000 पर पीस अपनी जेब में, और जनता को 100 में से 5 मोबाइल भी कामयाब नहीं है, गर्म हो रहे हैं, फूट रहे हैं। और जो रही बात चिरंजीवी योजना की, तो आप मेरे साथ एक नॉर्मल आदमी को जिसकी कोई सुपर नहीं हो, जिसकी कोई पावर नहीं हो, उसको आप हॉस्पिटल लेकर चलिए और आप लाइव कीजिए, अगर उसका ईमानदारी से भाई इलाज होता है और उसको सुविधा मिलती है, तो हम खुद कांग्रेस का झंडा उठा लेंगे। सिर्फ धोती घोषणाएं हैं, झूठ, और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। सीएम साहब 4 साल तक अपनी सरकार बचाने के लिए होटलों में बैठे रहे और अंतिम समय में जनता को लॉलीपॉप देकर और बेवकूफ़ बना रहे हैं। पायलट साहब अपनी कुर्सी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सीएम साहब अपनी कुर्सी की तरफ। राजस्थान में इस बार कांग्रेस की 20 सीटें भी बड़ी मुश्किल से आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं अभी था लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही भव्य स्वागत की तैयारी है, जहाँ पर बीजेपी की जी